अलैकुम, मैं सैयद रिजवान अली। न्यूज़ एनवीएस की तरफ से आइए देखते हैं आज की खबर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पहले खातून चीफ जस्टिस को बतौर तखरुर हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्र किया। इस वक्त वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है। मौजूदा तेलंगाना चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तान के सदर के दफ्तर अगले दो दिन में इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। दरी असना पीर को नए जजों के तकरूर की सिफारिश की है। हिमा कोहली इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में जज है। वो 2 सितंबर 1959 में पैदा हुई। इन्होंने 1979 में सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली के तारीख में बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ ऑनर के साथ ग्रेजुएशन किया। बाद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तारीख में पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में कानून मुकम्मल की। जस्टिस आरोप कुमार गोस्वामी सीजे सिक्कम कोर्ट को नया चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है, जबकि जस्टिस जे के महेश्वरी को सिक्कम हाई कोर्ट का तबादला कर दिया गया है। ओडिशा कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है जस्टिस मुरलीधर को। ये खबर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मैं सैयद रिजवान अली, न्यूज़ एनवीएस की तरफ से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ एनवीएस। अल्लाह हाफिज़।